बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। हेलो गाइस, वेलकम टू लीगल यूट्यूबर चैनल। दोस्तों उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों कनाडा के प्रोविंस ओंटेरियो ने लेबर शॉर्टेज को देखते हुए एक और बहुत बड़ी अपडेट दे दी है। उन्होंने न्यू इमिग्रेंट्स के लिए मज़ीद आसानियां पैदा कर दी है। लाइक उनको अब एजुकेशन दिखाने की इतनी ज़रूरत नहीं है, लो एजुकेटेड भी जो है वो बिल्कुल आसानी अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही में जिन लोगों के पास फंड नहीं है वो लोग भी अब बिल्कुल आसानी कनाडा का पीआर अप्लाई कर सकते हैं। मुझे पता है काफ़ी ज़्यादा लोग सुनने के बाद यही कहेंगे कि सर ये कैसे पॉसिबल है, तो वो कैसे वो मैं आपको आगे बताता हूँ। ओंटेरियो का एक प्रोग्राम है जिसका नाम है ओंटेरियो इमिग्रेशन नॉमिनी प्रोग्राम, जिसका शॉर्ट फॉर्म है OINP, और ये काफ़ी ज़्यादा मशहूर प्रोग्राम है फ्रेंड्स। इसके तहत काफ़ी ज़्यादा लोग इमिग्रेट हुए भी हैं और ये प्रोग्राम के बारे में अभी हर कोई जानता भी होगा। इस प्रोग्राम को दोबारा से रीलॉन्च किया गया है और इसके अंदर दो तीन चीज़ों को पूरा किया गया है, मतलब कि एजुकेशन अब आपको ज़्यादा नहीं चाहिए, साथ ही में अब आपको फ़ंड शो करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। क्योंकि दोस्तों काफ़ी ज़्यादा लोगों को फ़ंड को लेकर बहुत ज़्यादा मसला आता था, अब आप फंड के बगैर भी कनाडा का पीआर अप्लाई कर सकते हो। तो चले दोस्तों करते हैं इस वीडियो को शुरू। मेरा नाम है राजीक और आप देख रहे हैं लीगल यूट्यूबर चैनल। तो चले शुरू करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों बता दूं कि जिन लोगों ने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो या प्लीज चैनल रेड बटन होगा उसको दबा दो, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना, ताकि आपको मेरा हर नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने को मिले। फ्रेंड सबसे पहले हम बात करते हैं कि जब के इस प्रोग्राम को रीओपन किया गया है तो उसमें किन किन चीज़ों की चेंजेस की गई है। नंबर वन के ऊपर जो चेंजेस की गई है वो ये है कि एजुकेशन की जो रिक्वायरमेंट थी ज़्यादा एजुकेटेड लोगों के लिए वो अब ख़त्म कर दी गई है। अब इंटर पास लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स कनाडा का जो मैट्रिक होता है वो हमारे यहाँ का इंटर होता है, इसीलिए पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश इन जगहों पर जितने भी इंटर पास है वो बिल्कुल आसानी कनाडा का पीआर अप्लाई कर सकता है। अब नंबर टू के ऊपर जो चेंजेस हैं वो फंड्स की रिक्वायरमेंट है, जिसको बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया गया है। फ्रेंड्स पहले क्या होता था कि कोई भी बंदा अगर अप्लाई करता था कनाडा के अंदर तो वहाँ पर उसको जो फंड शो करना पड़ता था वो 12,000 कैनेडियन डॉलर होता था, जो कि काफ़ी ज़्यादा लोगों को मसला होता था और वो शो नहीं कर पाते थे। तो ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ है और काफ़ी बड़ी न्यूज़ है कि उन्होंने फ़ंड की रिक्वायरमेंट को बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया। नंबर थ्री पे जो चेंजेस की गई है वो ये है कि इसके अंदर 13 ऑक्यूपेशंस मज़ीद ऐड किए गए हैं। अब ये वो ऑक्यूपेशंस हैं फ्रेंड जो कि कनाडा में इस वक्त हाई डिमांड चल रहे हैं, तो मैं आपको साथ में NOC कोड भी बताता हूँ और साथ ही मैं ऑक्यूपेशन का नाम भी बताता हूँ। इसके अलावा आपको ये लिस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप जाके खुद ही भी चेकआउट कर सकते हो। अब नंबर वन के ऊपर है 9411 मशीन ऑपरेटर, उसके बाद है नंबर टू पे 9416 मेटल वर्किंग, उसके बाद है 9417 मशीन टूल ऑपरेटर, उसके बाद है 9418 अदर मेटल प्रोडक्ट्स एंड मशीन ऑपरेटर, उसके बाद है 9421 मैकेनिकल प्लांट एंड मशीन ऑपरेटर, इसके अलावा है 9422 प्लास्टिक प्रोसेसिंग एंड मशीन ऑपरेटर, उसके बाद है 9437 वुड वर्किंग एंड मशीन ऑपरेटर, 9446 ये है इंडस्ट्रियल मशीन ऑपरेटर, इसके बाद है 9461 तो ये है प्रोसेस कंट्रोल एंड मशीन ऑपरेटर एंड फूड एंड बेवरेजेस, इसके बाद है 9523 ये है इलेक्ट्रॉनिक असेंबलर्स एंड इंस्पेक्टर्स एंड टेस्टर्स, इसके अलावा है 9526 तो ये है मैकेनिकल असेंबलर्स एंड इंस्पेक्टर्स, इसके बाद है 9536 तो ये है इंडस्ट्रियल पेंटर्स, इसके बाद है 9537 तो ये है अदर प्रोडक्ट असेंबल्स एंड फिनिशर एंड इंस्पेक्टर। तो फ्रेंड्स ये कुछ ऑक्यूपेशंस हैं जो कि मजीद कनाडा ने ऐड किए हैं ओंटेरियो गवर्नमेंट ने, ताकि और भी लोग इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकें और भी लोग पीआर ले पाए। फ्रेंड्स ये न्यू ऑक्यूपेशंस हैं, इसके अलावा मजीद ओल्ड ऑक्यूपेशंस की भी आपको लिस्ट मिल जाएगी, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। अब जिन लोगों का भी नाम इसके अंदर मौजूद है, मतलब जो भी इन ऑक्यूपेशन से ताल्लुक़ रखते हैं, तो वो बिल्कुल आसानी एलिजिबल हैं इस प्रोग्राम के तहत। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि इस प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट क्या क्या है, क्योंकि यहाँ पे दो रिक्वायरमेंट है जो कि काफ़ी ज़्यादा हार्ड है, मुझे भी हार्ड लगी, लेकिन मैं शायद आपको थोड़ा सा इसका सजेशन दे पाऊँ कि ये आपके लिए आसान हो सकती है। नंबर वन के ऊपर सबसे पहले तो आपको IELTS चाहिए होगा CLB 4 लेवल, जो कि काफ़ी ज़्यादा कम है फ्रेंड्स, 4.0 बैंड बनता है और हर कोई बिल्कुल आसानी इस बैंड को ले सकता है।
नंबर टू के ऊपर आपको ECA रिपोर्ट चाहिए होगी जो कि आपको डिग्रियों को वेरीफाई करवाना होता है, तो ये तो हर चीज़ के लिए ज़रूरी होती है। नंबर थ्री के ऊपर आपको एम्प्लॉयर फाइंड करना है। अब मुझे पता है काफ़ी ज़्यादा लोग यही कहेंगे कि सर एम्प्लॉयर मिलता ही कहाँ है, जॉब मिलती नहीं है। तो इससे पहले वाली वीडियो के अंदर भी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि आपको जॉब किस तरीके से गेट करनी है। ये ओंटेरियो की ऑफिशियल वेबसाइट है, आप यहाँ पर आके जॉब फाइंड कर सकते हो। अगर इसके अलावा अगर आप रिक्रूटमेंट एजेंसी से कॉन्टैक्ट करना चाहते हो तो आप यहाँ पर आके रिक्रूटमेंट एजेंसी से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इस पेज के ऊपर आओगे, यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा रिक्रूटमेंट एजेंसियाँ देखने को मिलेगी। आपका ऑक्यूपेशन जिसके अंदर भी है उसके हिसाब से आपको रिक्रूटमेंट एजेंसी से कॉन्टैक्ट करना है और उन्हें सारी सूरत हाल बतानी है, और फिर वो आपकी मदद भी करेंगे, बट वो आपसे कुछ चार्जेस लेंगे आपको जॉब पे लगाने के लिए। तो वो आपको जॉब ऑफर बिल्कुल आसानी दिलवा सकते हैं, तो आप यहाँ से जॉब गेट कर सकते हो। अब उसके बाद बात की जाए फोर रिक्वायरमेंट की, तो वो है आपको अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करना होगा। अब सबमिट कहाँ से होगी फ्रेंड, आपको इस पेज के ऊपर आ जाना है और यहाँ पर आपको सारी रिक्वायरमेंट्स भी देखने को मिलेगी जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। यही सारी चीज़ें आपको यहाँ भी देखने को मिलेगी, जो न्यू ऑक्यूपेशंस को ऐड किया गया है वो लिस्ट भी देखने को मिलेगी, साथ ही में जो पुराने ऑक्यूपेशंस की लिस्ट है वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। अब आपको बिल्कुल नीचे आ जाना है फ्रेंड्स। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर सबमिट एप्लीकेशन का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपने क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस किस्म का पेज आ जाएगा, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैंने खुला रखा है जिसकी वजह से ये सेशन जो है वो एक्सपायर हो चुका है। तो यहाँ पर आने के बाद आपको ये सेंटर वाले के ऊपर क्लिक कर देना है कि आप न्यू एप्लीकेंट हो। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस किस्म का पेज आ जाएगा, फिर आपने जाना है एम्प्लॉयड जॉब ऑफर इन डिमांड स्किल्स स्ट्रीम के ऊपर, यहाँ पर आपने क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके पास इस किस्म का पेज आ जाएगा, आपको सारी यहाँ पे अपनी फुलफिल करनी है डिटेल्स को और फिर उसको नेक्स्ट कर देना है। अच्छा, अब नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे सीन ऐसा है दोस्तों कि आपको एप्लीकेशन की फ़ीस भी सबमिट करनी होगी। 1500 से लेके 2000 कैनेडियन डॉलर फीस है यहाँ की, तो ये आपको पे करनी होगी। फिर उसके बाद क्या सीन होगा, उसके बाद आप रिसीव कर लोगे नॉमिनेशन लेटर फ्रॉम ओंटेरियो, ठीक है। आपको वहाँ से नॉमिनेशन लेटर मिल जाएगा जिससे आपकी एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल के अंदर CRS स्कोर 600 का ऐड हो जाएगा और उसके बाद आप PR गेट कर पाओगे कनाडा की। तो फ्रेंड ये प्रोसेस इस तरीके से चल रहा है, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं दोस्तों कि जब तक आपको जॉब ऑफर नहीं मिलती तब तक आप इसके ऊपर एप्लीकेशन सबमिट ना करो, क्योंकि 14 डेज बाद इस प्रोफाइल को जो है वो एक्सपायर कर दिया जाता है। तो इसीलिए आपको 14 दिन के अंदर अंदर ही हर चीज़ को सबमिट करवाना होता है। तो अगर आप अभी से कर लोगे और जॉब ऑफर नहीं मिलेगी तो आपकी वो चीज़ ज़ाया हो जाएगी, आपके पैसे ज़ाया हो जाएंगे। इसीलिए जब आपको जॉब ऑफर मिल जाए तो ही आप इसके ऊपर एप्लीकेशन सबमिट करो, और देन फिर जब आपको CRS स्कोर मिल जाएगा 600 का तो फिर आप बिल्कुल आसानी कनाडा का PR अप्लाई कर सकते हो। तो फ्रेंड्स ये काफ़ी अच्छा प्रोग्राम है और इसके अंदर काफ़ी चीज़ों को ऐड किया गया है। पहले ये प्रोग्राम काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था, लेकिन अब थोड़ा सा आसान किया गया है इसको। अभी भी इसको बिल्कुल आसान नहीं बोला जा सकता, लेकिन थोड़ा सा इसको आसान किया गया है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर प्लीज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।